हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवेंथ, जैसा कि हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे और सिविक्स में पार्ट वन पढ़े थे, आज हम लोग पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट वन में पढ़े थे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके डिफिनेशन पढ़े थे और उसके बारे में जाने थे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने ही देश यानी भारत के लोकतंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं वो यहाँ पर जो है कि लोकतंत्र है, वो भी कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग जो है कि पढ़े थे कि लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। तो अपने यहाँ क्या है कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जो है कि फैसला लेते हैं। हम फैसला लेते हैं कि किस प्रतिनिधि को चुनेंगे और वो प्रतिनिधि फैसला लेता है कि किसकी सरकार जो है कि बननी है, किसे जो है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे और कौन विकास काम कैसे करेगा, कौन क्या करेगा। वो जो है कि कानून बनाने और कानून में संशोधन करने का काम वो प्रतिनिधि करते हैं। तो यहाँ तक पढ़े थे, तो हम लोग जाने कि भारत के अंदर में लोकतंत्र है और किस प्रकार की, किस तरह का लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब है क्या कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता में एक विशेषता ये है कि यहाँ पर समानता है। यानी लोकतंत्र की विशेषता होता है कि ऑल इज इक्वल, यानी सब जो है कि समान है, सब क्या है, बराबर है। तो समानता, इक्वलिटी, समानता को कहते हैं इक्वलिटी। सबसे पहले जो है कि हम जानेंगे कि इक्वलिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज इक्वलिटी या मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का जो है क्या अर्थ होता है, समानता का क्या अर्थ होता है। कहा जाता है कि वो स्थिति जिसमें से प्रत्येक नागरिक को समान अवसर जो है कि प्रदान किया जाता है, उसे समानता कहते हैं। या ऐसे हम समझें कि समानता का अर्थ, समानता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। अगर किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाए, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, यह जो है कि भाषा के आधार पर हो या शिक्षा के आधार पर हो, अगर किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है तो फिर वो समानता नहीं है, क्या है, असमानता है। यानी समानता को जब हम पहचान लेंगे, समानता की जानकारी हमें हो जाएगी, तो फिर असमानता जो है कि अपने आप नज़र आने लगेगी। इसलिए कि समानता में सबको समान अधिकार, समान अवसर दिया जाता है और यही इक्वलिटी डेमोक्रेसी का पिलर कहलाता है। यही जो है कि समानता लोकतंत्र का जो है कि एक पिलर कहलाता है। जिस डेमोक्रेसी में इक्वलिटी ना हो वो डेमोक्रेसी नहीं होगा, वो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी विशेषता ये पाई जाती है कि वहाँ पर समानता होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जो है कि वो मजदूर हो चाहे किसान हो, चाहे मालिक हो चाहे नौकर हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे किसी भी धर्म या भाषा के जो है कि मानने वाले, जानने वाले, बोलने वाले हो, तो वो सबको क्या है, समान अवसर प्रदान किया जाता है, समान अधिकार जो है कि दिया जाता है। तो इस तरह से जो है कि ये समानता लोकतंत्र की विशेषता में आ गया। अब आगे है कि समानता का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कि जन्म, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसमें समानता में क्या होना चाहिए कि चाहे वो धर्म हो, चाहे जाति हो, लिंग हो, भाषा हो, किसी भी आधार पर जो है विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, सभी के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। सभी को समान अवसर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति
बिहार में शिक्षा ना लेकर के वो अगर वो चाहें कि हम मुंबई दिल्ली में जाकर के शिक्षा जो है कि हासिल करें तो वो वहाँ जाकर के हासिल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिहार के बजाय जो है कि अगर वो चाहे कि हम झारखंड या बंगाल में जाकर के वहाँ पर रहेंगे तो वो रह सकता है। इस तरह से जो है कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को सरकार की तरफ से एक प्रमाणित जो है कि प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति से संबंधित नाम पता और उम्र जो है कि दर्शाया जाता है, जिसका प्रयोग वो व्यक्ति अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने में करता है तो वैसे प्रमाण पत्र को पहचान पत्र कहा जाता है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को एक पहचान पत्र दिया जाता है, जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसे एक पहचान पत्र दिया जाता है, जिसका प्रयोग वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने में करता है तो उसे पहचान पत्र कहते हैं। तो प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है। ये किसको बतलाता है? सामान्यता को बतलाता है। चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो, जब वोटिंग का समय आता है तो प्रत्येक नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है और कोई मजदूर क्लास के जो है कि लोग हैं तो आईएएस ऑफिसर की जो पदाधिकारी है उसे दो वोट देने का अधिकार मिलेगा और मजदूर जो है कि क्लास के लोग हैं उसे एक ही वोट देने का अधिकार मिलेगा। इस तरह की कोई बात नहीं। अगर कोई करता है तो इसका मतलब है भारतीय कानून का जो है वो क्या करता है, उल्लंघन करता है और अपने मत का दुरुपयोग करता है। तो ये होता है। आगे है मताधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक, भारत के वैसे नागरिक जिसका उम्र भारतीय जो है कि मतदाता सूची के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसे एक वोट देने का अधिकार जो है कि दिया जाता है, उसी अधिकार को मताधिकार कहा जाता है और उस व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें समानता और असमानता को देखते हुए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को जो है कि समान अवसर दिया जाता है, समान अधिकार जो है कि दिया जाता है, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश जो एक असमानता देखने को भी मिलती है। उन्हीं समानता और असमानता के पर जो है कि कुछ कहानी, कुछ किस्से जो है कि यहाँ पर दिए गए हैं कि इससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर समानता है कहाँ पर असमानता है। जो जिन व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हुई है वैसे ही दुर्घटना आए दिन जो है कि हम लोगों के भी जीवन में देखने को मिलता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो असमानता के शिकार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चाहे प्रशासन हो चाहे कानून हो चाहे सरकार हो उसे समानता दिलाने के लिए जो है कि वो क्या होता है वो पीछे हट जाता है, उसे दिला नहीं पाता और वो ले नहीं पाता है। तो वैसे व्यक्ति को जिसे असमानता की दृष्टि से देखा जाता है, जिसका जो है कि हक को छीना जा रहा है, जिसको जो है कि मौलिक अधिकार दिया नहीं जा रहा है, उसको मौलिक अधिकार दिलाना, उसे हक दिलाना और उसे जो है कि आगे बढ़ने का अवसर जो है कि देना, वो हम जैसे व्यक्ति का ही जो है कि उसे क्या होता है ज़रूरत पड़ता है और करना चाहिए। हम जैसे आम नागरिक जो है कि उन व्यक्तियों को अधिकार दिलाने का जो है कि काम करना चाहिए और जो है कि आगे करते रहेंगे। तो ये है। इसमें से एक कांता की कहानी के बारे में बताया है। कांता जो है कि महिला है, गरीब घर की जो है कि महिला है, वो किसी के यहाँ जो है कि काम करती है। जब इलेक्शन यानी निर्वाचन वोटिंग का टाइम आता है तो फिर पहचान पत्र लेकर के वो वोट डालने के लिए बूथ पर जाती है, यानी स्कूल के अंदर में जो बूथ बनाया जाता है, वोटिंग पॉइंट जो बनाया जाता है, जब वो वोट डालने के लिए जाती है तो एक ही लाइन में जो है कि वो जो है कि देखती है कि जिस लाइन में हम वोट डालने के लिए खड़े हैं
वो लाइन में जो है कि हमसे अमीर और हमसे नीचे के गरीब सारे व्यक्ति उसी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जिस मालिक की है वो काम करती है, वो भी मालिक उसी लाइन में जो है कि लगे हुए, तो काफ़ी खुश हो जाती है। खुश ये होती है कि जब हम इससे बाहर जब रहते हैं तो वहाँ पर गरीबी और अमीरी को जो है कि देखा जाता है, वहाँ पर जो है कि शिक्षित और अशिक्षित को देखा जाता है, वहाँ पर भाषा धर्म के भेदभाव देखा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा लाइन है जिसमें से हम जैसे गरीब भी खड़े हैं, जो है कि इस लाइन में जो है कि पदाधिकारी भी खड़े हैं, इस लाइन में जो है कि आपका क्या है, इस लाइन में गरीब भी हैं तो अमीर भी हैं, किसान भी हैं तो मजदूर भी हैं, महिला भी हैं तो जो है कि पुरुष भी हैं, हमारे मालिक हैं तो हमारे पड़ोसी भी हैं। तो खुश हो जाती है कि लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि समानता वहाँ पर देखने को मिलती है, काफ़ी खुश रहती है और अपने आप को ये समझती है कि यहाँ पर हम सब क्या है, बराबर हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो अपने एक बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचती है, जो कि काफ़ी बीमार जो है कि उनका उसका बच्चा जो है कि रहता है, जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो ये देखती है कि इस लाइन में सिर्फ गरीब ही हैं और अमीर लोग यहाँ पर हैं ही नहीं। अमीर लोग एक स्पेशल जो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं और ये सरकारी जो हॉस्पिटल में है इसमें से जो है कि हम गरीब जो है कि व्यक्ति लगे हुए हैं। तो वहाँ पर फिर अपने आप को वो दुखी महसूस करती है, दिल में वो तकलीफ जो है कि पैदा होती है कि वो लाइन जिसमें से हम वोट देने के लिए गए थे उस लाइन में गरीब अमीर सब कोई लगे हुए थे, लेकिन ये हॉस्पिटल की लाइन में जब हम अपने बच्चे को दिखाने के लिए आए हैं तो यहाँ पर सिर्फ गरीब ही गरीब देखने को मिल रहा है। और जो पैसे वाले हैं, जो पैरवीकार हैं, वो बैक डोर से जाकर के डॉक्टर को दिखा देते हैं और जो है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक लाइन में लगे हुए रहते हैं तब एक पेशेंट को जो दिखा पाते हैं। तो वहाँ पर जो है कि उनके दिल में जो है कि ये तकलीफ हुई, ये दुख जो है कि पहुँचती है और फिर वहीं पर कहा जाता है कि समानता कांता के दिल में जो है कि समानता के स्थान पर असमानता क्यों है। असमानता इसलिए जो है कि उसके दिल में जो है कि उस वक्त आ गई कि जब वोट देने की बारी आती है तो फिर एक लाइन में लग करके जो है कि हम लोग वोट देते हैं, लेकिन जब अपने अधिकार जो है कि कोई दूसरा अधिकार लेने की जब बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं हमको पीछे जो है कि ढकेल दिया जाता है क्योंकि हम एक गरीब हैं। तो ये कहानी जो है कि उसके दिल में आती, उसके जीवन में जो है क्या आने, तो इस तरह का जो है कि असमानता हमको बहुत सारी देखने को मिलती है, जो है कि आए दिन हम देखते हैं कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे जो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में जो है कि कहीं ना कहीं असमानताएँ देखने को मिलती है। यह असमानताएँ तभी दूर होगी जब जो है कि हम लोग जैसे जो है कि शिक्षित व्यक्ति जब इस चीज़ इसके बारे में जो है कि समाज में जागरूकता फैलाएंगे, जब आम नागरिक को, गरीब नागरिक को जो है कि हक दिलाने, अधिकार दिलाने का काम करेंगे तभी जो है कि असमानता दूर हो सकती है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद जो है आपका जो है कि एक शॉर्ट में आप नोट लिखिएगा कि समानता का क्या अर्थ होता है, समानता का अर्थ क्या होता है। तो उसका आंसर यह होगा, समानता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा जो है कि क्वेश्चन है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर में लिखिएगा, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, लोकतंत्र में किसी लोगों को लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार एवं समान अवसर दिया जाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार अपना कीमती वोट का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। थर्ड, लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन चलाया जाता है, ये थर्ड हुआ। नंबर फोर,
लोकतंत्र में जनता को अपनी गलतियों को सुधार करने का अवसर मिलता है। ये चार जो है कि पॉइंट हुआ, ये चारों पॉइंट जो है कि आप जब लिख लीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वेश का मताधिकार का क्या अर्थ होता है। उसका आंसर होगा कि वे सभी व्यक्तियों को जिसका उम्र मतदाता सूची के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो, उसे बिना किसी भेदभाव का एक वोट देने का अधिकार दिया जाता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब होमवर्क में एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, दलित एवं महादलित शब्दों का अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन है फोटो पहचान पत्र क्या है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कि आप तैयार करके मेरे नंबर पर आप सेंड कीजिएगा।